हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो माय सेल्फ आरडी। आज के इस वीडियो में मैं आपको फुल रिव्यू देने जा रहा हूँ रियल मी पावर बैंक 2, जो कि 20,000 mAh का है। ये पावर बैंक मैं समथिंग 1.5 मंथ पहले ख़रीदा था, तो उसके बाद से अब तक यूज़ किया हूँ। तो यूज़ करने के बाद अभी तक कैसा क्या एक्सपीरियंस रहा इसके साथ, तो उसको मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ, बता देता हूँ। ये रहा अपना पावर बैंक। सबसे पहले तो इसमें इसके बाहर से एक्सटीरियर के बारे में देख लेते हैं कि इसमें कैसा क्या है। तो इसमें तीन तो ये आउटपुट पोर्ट दे रखे हैं, दो USB के लिए और एक है USB Type-C के लिए चार्जिंग के लिए, और आउटपुट इनपुट दोनों है इसमें वैसे। और एक यहाँ पे जो बटन दे रखा है वो इंडिकेटर दे रखा है इसका, तो चार्जिंग हो रहा है नहीं हो रहा, कितना चार्ज है इसके लिए। अब इसमें बात करते हैं 20,000 mAh से एक बार चार्ज करने में ये कितना टाइम लेता है। तो एक बार चार्ज करने में ये लगभग मेरा चार्जर 20 वोल्ट का चार्जर है, तो 20 वोल्ट के चार्जर में 8 से 9 घंटे में ये फुली चार्ज होता है। कुछ चार्जर्स तो यहाँ पे मतलब 13-14 घंटे के आसपास रह लेते हैं, लेकिन ये 8-9 घंटे में फुल चार्ज हो जाता है, क्योंकि ये सपोर्ट करता है 18 वोल्ट फास्ट चार्जिंग को, और मेरा 20 वोल्ट का है, तो थोड़ा सा ऊपर नीचे से 8 आवर्स में कम्प्लीट हो जाता है। और आगे बात करते हैं ये मेरे फ़ोन को कितनी देर में चार्ज कर पाता है पूरा 0 से 100। मेरा फ़ोन बता ही दिया 20 वोल्ट का चार्जर है, तो उसके केबल से या इसकी जो केबल है उससे चार्ज करने में लगभग 2 hours और 10 minutes या 15 मिनट ऐसा कुछ करके लेता है। तो इतने टाइम में 4000 mAh का मेरा फ़ोन फुल्ली चार्ज हो जाता है, मतलब 2 hours के आसपास मान लो। इसका क्विक चार्जिंग का दिखाने के लिए मैं मेरे फ़ोन को 5 मिनट इससे और इसकी केबिल से चार्ज करके आपको दिखा देता हूँ, ताकि आपको भी क्लियर हो जाए कि ये कितनी स्पीड से ये चार्ज कर पाता है। गाइस, 3:40 पे मैंने चार्ज लगाया है, जस्ट अपने को 5 मिनट का देखना है कि 5 मिनट में कितना चार्ज होता है। 3:40 पर ये 40%, अब जस्ट अपन इसको 3:45 पर टाके देख लेंगे कि कितना परसेंट चार्ज होता है। तो 5 मिनट का इसमें वेट कर लेते हैं अपन। 5 मिनट ऑलमोस्ट डन और ये हुआ है लगभग 3%। तो आप देख सकते हो कि 5 मिनट में 3% 4% हो गया, मतलब 5 मिनट में 4% हुआ है। और फुल चार्ज करने में मैंने अभी तक फुल चार्ज करके जब भी देखा है तब लगभग 2 hours ले लेता है। इस बार बात करते हैं कि एक बार फुल्ली चार्ज होने के बाद कितना पावर बैकअप दे देता है। तो ये 20,000 mAh है, लगभग 15,000 mAh तक का पावर बैकअप दे देता है, मतलब मेरा फ़ोन 4,000 mAh का है, तो लगभग 3.5 बार इससे चार्ज हो जाता है इसे एक बार पूरा चार्ज करने में। तो लगभग 1500-1500 mAh तक का चार्जिंग बैकअप देता है, 5,000 mAh इसमें ऐसे वेस्ट हो जाता है रेजिस्टेंस में कहीं पर भी, लेकिन 3.5 तक तो क्लियरली दे देता है। अब अगर किसी को ये जानना हो कि किसी का 5,000 mAh का फ़ोन है तो कितनी बार चार्ज होगा, तो 3 बार होगा। वैसे ही तुम कैलकुलेट कर सकते हो कि 3,000 का है वो कितनी बार होगा। एक बार बात कर लेते हैं इसकी चार्जिंग केबल किस तरह की थी। तो चार्जिंग केबल USB Type-C और जो नॉर्मल चार्जिंग आती है वो 2-in-1 दोनों में थी, टाइप सी में इस तरह से और नॉर्मल में इस तरह से, तो दोनों टाइप का कनेक्टर है इसमें। तो आपका फ़ोन अगर टाइप सी से चार्ज होता है तो आप टाइप सी से कर सकते हो, अदरवाइज माइक्रो वाली भी इसमें इंक्लूड है, दोनों एक साथ हैं। तो ये काफ़ी सही है, क्वालिटी में चार्जिंग केबल काफ़ी सही दी थी इसमें। इस पावर बैंक का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज जो मेरे को लगा वो ये है, ये चार्जिंग में अपने को इंडिकेटर तो दे रखा है यहाँ पर, लेकिन जब ये फुल्ली चार्ज हो जाता है तो इसमें कोई ऑटो पावर का मतलब ऑफ का ऐसा कोई सीन नहीं है, ये मतलब फिर भी चार्जिंग का दिखाता रहता है अपने को कि मतलब कि लाइट इंडिकेटर जला हुआ रहता है, वो ऑफ नहीं होता। जैसे अपन फ़ोन को चार्ज करते हैं तो वो फुल्ली चार्ज होने के बाद ऑटोमेटिकली करंट से डिस्कनेक्ट हो जाता है, लेकिन इसमें ऐसा कोई सीन नहीं है। तो ये तो सबसे मतलब अजीब चीज़ लगी कि रियलमी को ये थोड़ा सा इम्प्रूव करना चाहिए था। एक बात और, इसकी जो बॉडी है इसकी क्वालिटी मेरे को थोड़े से नॉर्मल सी लगी, क्योंकि इसका रीज़न है कि मैं 1.5 महीने में यूज़ करने में इस पर मतलब बहुत ज़्यादा स्क्रैचेस से पड़ गए ऊपर बॉडी के ऊपर। वैसे अपने वैसे बॉडी कोई काम नहीं आती, लेकिन लुकिंग में दिखने में इनमें अच्छा लगता है भाई, कोई स्क्रैच नहीं है तो इसमें मतलब कुछ स्क्रैचेस से पड़ रहा है बॉडी का। तो क्वालिटी की बात करें तो थोड़ी सी नॉर्मल सी है इसके। अब रही बात इसे यूज करने की, तो ये ग्रिप में काफ़ी सही है, तुम लोग आराम से इसे हाथ में लेकर के ऐसे कहीं भी आ जा सकते हो या फिर जेब में डाल के भी ले जा सकते हो। बस ये कि थोड़ा सा वेट है 500 ग्राम के आसपास, बाकी अपने को 1 ईयर की वारंटी दे ही रहा है। चलो गाइस, आज का वीडियो बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो लाइक एंड चैनल सब्सक्राइब जरूर करना।